क्रेटोस ने अपनी जर्नी में बहुत से वेपन्स यूज किए हैं, जिनमें से कुछ वो अभी तक यूज करता है और कुछ को तो कब का छोड़ चुका है। गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस के टाइम पे क्रेटोस को काउंटलेट ऑफ ज्यूस वेपन मिला था, जो बहुत ही पावरफुल था, और उसकी मदद से क्रेटोस ने तो काफी एनिमीज को बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन क्रेटोस अभी से यूज नहीं करता है, तो क्या हुआ इस वेपन के साथ? क्या उसने इसे खो दिया या फिर ये मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया? सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द fevergrasp.com। और आज हम बात करेंगे क्या हुआ क्रेटोस के वेपन गाउंटलेट ऑफ ज्यूस के साथ। सो सबसे पहले जानते हैं क्रेटोस को ये वेपन मिला कैसे था। क्रेटोस को ये वेपन मिला था गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस में, और गाउंटलेट ऑफ ज्यूस बहुत ही खतरनाक गाउंटलेट रहा है क्रेटोस के एनिमीज के लिए। इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हिफिस्टस था, जो हमें गॉड ऑफ वॉर 3 में दिखा था। एंड ऑफ कोर्स इस गाउंटलेट को यूज करने वाला अपना ज्यूस था। उसने इसे यूज किया था माइटी टाइटंस को डेप्थ ऑफ टार्टरस में बांधने के लिए, और फिर इसे यूज करने के बाद ज्यूस ने इसे टार्टरस के जेलर को दे दिया था अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, और फिर उस जेलर ने इसे टेंपल ऑफ ज्यूस में रख दिया था। टेंपल ऑफ ज्यूस डेप्थ ऑफ टार्टरस में ही है और इसकी चाबी उस जेलर के पास है। लेकिन जेलर अब जिंदा नहीं है, बस उसकी बॉडी बची हुई है। उसकी बॉडी थ्रोन पे बैठ के अब तक टेंपल ऑफ ज्यूस को प्रोटेक्ट कर रही है। क्रेटोस वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ से टेंपल ऑफ ज्यूस की चाबी को भी एक्वायर कर लेता है। फिर वो जेलर को उसके थ्रोन के साथ लात मार के नीचे गिरा देता है, उसकी बॉडी को लेके एक प्रेशर प्लेट पे रख देता है। उसकी बॉडी को रखने के बाद एक जायंट लॉक ऊपर आता है, उस लॉक में वो की लग जाती है और फिर एक पुल निकलता है जो सीधे टेंपल ऑफ ज्यूस तक जाता है। क्रेटोस टेंपल ऑफ ज्यूस पहुंच जाता है और वहीं पे मिलता है उसको गाउंटलेट ऑफ ज्यूस। अब ये जानने से पहले कि क्रेटोस ने इसे खोया कैसे था, ये जानते हैं कि इसकी पावर्स क्या थी। गाउंटलेट ऑफ ज्यूस किसी आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि एक गॉड के लिए बनाया गया था, और वो भी कोई ऐसा वैसा गॉड नहीं बल्कि ज्यूस के लिए। और ज्यूस की पावर्स तो हम जानते ही हैं, और जब किसी ऐसे पावरफुल गॉड के लिए एक वेपन बनाया जाए तो वो कितना पावरफुल होगा ये हम समझ ही सकते हैं। गॉडलेट ऑफ ज्यूस अपने अपोनेंट को बहुत ही डिवास्टिंग ब्लोज डिलीवर कर सकता है, और बड़े से बड़े सॉलिड स्टोन्स को भी आराम से तोड़ सकता है। और खाली पत्थरों को नहीं, आयरन वॉल्स को और आयरन के दरवाजों को क्रेटोस तोड़ चुका है गॉडलेट ऑफ ज्यूस से। इस गाउंटलेट के सामने छोटे मोटे एनिमीज तो टिक ही नहीं पाते हैं, और जो इमॉर्टल्स होते हैं उनके लिए भी ये गाउंटलेट काफी डेडली है। और इस वेपन से हम काफी सारे मूव्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग थ्रैश। इसमें हम हवा में उड़ के बहुत ही पावरफुल ब्लो नीचे के एनिमीज को मार सकते हैं, और फिर इस वेपन को चार्ज करके एक साथ दो तीन एनिमीज को भी मार सकते हैं। सो ये सब तो इसकी पावर्स थी। अब फाइनली जानते हैं कि इतने पावरफुल वेपन को क्रेटोस ने कैसे गंवा दिया, क्रेटोस ने इसे कैसे खोया। इसका जवाब हमें देखने को मिलेगा गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस के एंड क्रेडिट सीन में। जी हाँ, उस गेम में एक एंड क्रेडिट सीन भी था, जिसमें हम ये देखने को मिलता है कि क्रेटोस बैटल में लड़ने के बाद बहुत ही थक जाता है और अनकॉन्शियस होके ऊपर से नीचे गिरने लगता है। फिर वो नीचे पहुंच के एक माउंटेन के क्लिफ पे गिर जाता है। वैसे ये वही जगह है जहां से क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 1 में जंप करता है, और फिर हमें वहां पे दो लोग आते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक अथीना रहती है और दूसरा रहता है हीलियोस। अथीना उसका गाउंटलेट ऑफ ज्यूस निकाल लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है, और दूसरे हाथ से हीलियोस उसका सन शील्ड निकाल लेता है, और इस तरह से क्रेटोस अपना वेपन खो देता है। यहाँ पे ले जाने वाली अथीना होती है, सो मे भी हो सकता है आने वाले गॉड ऑफ वॉर गेम में कभी ना कभी ये वेपन वापस आए, जैसे कि ब्लेड ऑफ क्योस वापस आया है। सो हमने अब तक ये जाना कि क्रेटोस को ये वेपन मिला कैसे था, इसकी पावर्स क्या थी, और उसने इसे कैसे खोया। अब हम ये जानेंगे क्या होता अगर क्रेटोस ने कभी इसे खोया ही ना होता। गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस की टाइमलाइन गॉड ऑफ वॉर 1 से पहले की है, तो गॉड ऑफ वॉर 1 से शुरू करते हैं। अगर क्रेटोस के पास गॉन्टलेट ऑफ ज्यूस होता तब वो बारबेरियन किंग से कभी हारता ही नहीं। अगर वो बारबेरियन से हारता ही नहीं तो ना कभी वो एरिस से मदद मांगता, ना कभी एरिस उसे अपना गुलाम बनाता, और ना ही क्रेटोस अपनी फैमिली को मारता। इसका मतलब एरिस कभी क्रेटोस का दुश्मन बनता ही नहीं। गॉड ऑफ वॉर 2 की बात करते हैं। गॉड ऑफ वॉर 2 में ज्यूस क्रेटोस को इसलिए मारना चाहता था कि कहीं क्रेटोस ज्यूस को मार के उसकी जगह ना ले ले। और जब ज्यूस क्रेटोस को मारने आता है उस वक्त क्रेटोस ज्यूस से नहीं लड़ पाता है और मर के डेप्थ ऑफ हेडीज में चला जाता है। फिर डेप्थ ऑफ हेडीज से हम बाहर निकलते हैं, पूरे गॉड ऑफ वॉर 2 में सिस्टर ऑफ फेट्स को ढूंढते हैं, जिनके मदद से हम टाइम ट्रेवल करते हैं और उस टाइम में वापस पहुंचते हैं जहां पे ज्यूस क्रेटोस को मार देता है। और फिर गॉड ऑफ वॉर 3 में
फिर से हम ज्यूस को चेस करते हैं और एंड में उसे मार देते हैं। लेकिन 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 उस वक्त अगर क्रेटोस के पास गाउंटलेट ऑफ ज्यूस होता तो वो पहले ही अटेम्प्ट में ज्यूस को मुकाबले का टक्कर देता उसके ही वेपन से और मे भी उसे मार भी देता। लेकिन फिर हमें गॉड ऑफ वॉर खेलने को ही नहीं मिलता, तो अच्छा ही हुआ उसके पास ये वेपन नहीं था। और आपको तो किसी वेपन की जरूरत ही नहीं है, आप अपने उंगलियों से ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बडी के साथ, नीचे कमेंट करके बताएं और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और यार अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके।